वर्ल्ड कप जीत के बाद जब टीम इंडिया के फैन खुशी मना रहे थे, तब एक टेंशन का जिक्र हमने पहले ही किया था। वो ये था कि विराट और रोहित चले जाएंगे तो टीम इंडिया में ओपनिंग कौन करेगा। ओपनिंग का मसला T20 में काफ़ी अहम होता है, क्योंकि शुरू के 6 ओवर में ही सारा खेल हो जाता है। वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया की एक सीरीज जिम्बाब्वे में हो रही है, जो हम सभी देख रहे हैं। यहाँ जूनियर टीम इंडिया को भेजा गया है, या यूं कहें कि IPL में जिन खिलाड़ियों ने बढ़िया खेल खेला था उन सभी को इनाम दिया गया है और सभी को टीम इंडिया की टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। पहले मैच में तो टीम इंडिया हार गई, लेकिन दूसरे मैच में टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ ने कमाल कर दिया। लेकिन हम यहां पर बात ओपनिंग की करेंगे, क्योंकि यही सबसे जरूरी है। 23 साल के अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरी जमाई। ये उनका दूसरा ही मैच था और दूसरे ही इंटरनेशनल मैच में ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ खेल हो गया कि किसी को यकीन नहीं हुआ। इस पारी का कमाल ये रहा कि शुरू के 20 बॉल में अभिषेक सिर्फ 8 ही रन बना पाए थे, लेकिन जब शतक पूरा करने की बारी आई तब लगातार 3 सिक्स जमा कर उन्होंने इस शतक को भी अपना पूरा कर लिया। टीम इंडिया में एंट्री से पहले अभिषेक शर्मा इस बार IPL 2024 में कमाल कर चुके हैं। ट्रेविस हेड के साथ मिलकर इस बार अभिषेक ने T20 की भाषा को बदल दिया। IPL में उन्होंने करीब 500 रन बनाए, लेकिन यहां रन नहीं, वो रन कैसे बने ये ज्यादा जरूरी रहा। अभिषेक शर्मा ने 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और IPL में एक नई परिभाषा लिख दी। T20 की यही नई परिभाषा है और शायद आगे का पूरा सीन भी यही होने वाला है। लेकिन अभिषेक की पारी के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो तैयार है, या सिर्फ एक पारी के दम पर ये मान लिया जाए कि T20 में भारत को नया ओपनर मिल गया है। अभिषेक शर्मा पंजाब से आते हैं। आपने अगर उनका करियर फॉलो किया हो तो मालूम चलेगा कि युवराज सिंह ने शुरुआत से ही अभिषेक शर्मा को फुल सपोर्ट किया है। शुभमन गिल हो या फिर अभिषेक शर्मा, दोनों ही ऐसे प्लेयर रहे जो युवराज के साथ जिम जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अभिषेक और शुभमन दोनों पक्के दोस्त भी हैं। अभिषेक जब बुरी फॉर्म से गुजरते तो शुभमन का बैट उधार मांग लेते, क्योंकि उससे रन आ जाते थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ। जब पहले मैच में रन नहीं बने तो अभिषेक शर्मा ने शुभमन गिल से ही बल्ला उधार मांग लिया और फिर सेंचुरी भी जड़ दी। लेकिन अब सवाल यह है कि शुभमन गिल जो इस दौरे पर टीम इंडिया के कप्तान हैं, क्या वो T20 में अपनी जगह बना पाएंगे, या फिर जब गौतम गंभीर टीम के कोच होंगे तब यशस्वी जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा ही टीम इंडिया के नए ओपनर होंगे, या फिर शुभमन गिल को मौका मिल पाएगा। ऐसे सवाल अभी खड़े होते रहेंगे जब तक T20 के नए कप्तान और नए कोच अपनी रणनीति तय नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।